नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन 5 सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों मैं रणवीर सिंह, देखिए मैं आ गया हूँ फिर एक अपडेट लेकर। अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, देखिए रीट को लेकर अपडेट है, बीएड को लेकर अपडेट है। देखिए यहाँ पर वो अभ्यर्थी हैं जो 30,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जिन्होंने देखिए अभी रीट एग्जाम दिया है, और रीट एग्जाम दिया है तो उनके सामने एक समस्या उनके सामने आकर खड़ी हो गई है, जिस पर हम इस पूरी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर भर्ती विज्ञापन, भर्ती से संबंधित हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों यहां पर मैं बात करने वाला हूं, देखिए यहां पर जो अभी बीएड कर रहे हैं और जिनकी बीएड की अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं नहीं हुई हैं, उन अभ्यर्थियों के सामने यहां पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, बड़ा चिंता का विषय है कि वो रीट की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। उसमें देखिए मैं आपको बता दूं होगा क्या, देखिए यहां पर उन्होंने रीट एग्जाम दिया है। रीट एग्जाम में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपना स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि की मार्केट में आ चुकी है आपको पता ही है, ठीक है, और देखिए की ऑफिशियल की भी आ चुकी है आपको पता है। तो यहां पर देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी अपना स्कोर कर रहे हैं, और देखिए बीएड की जो अंतिम वर्ष की, ठीक है, 2018 की शिक्षक भर्ती में बीएड की अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं हुई थी, तो उस वजह से भी कुछ लोग बेरोजगार रहे थे। लेकिन अब अगली रीट कब होनी है, सरकार ने घोषणा की है कि 29,000 वैकेंसी आएंगी, कभी 30,000 वैकेंसी आएंगी, लेकिन अभी वर्तमान में जो वैकेंसी चल रही है वो मैं आपको बता दूं। देखिए यहां पर पिछली जो कट ऑफ रही थी 117 से 128 तक, उन अभ्यर्थियों का भी चयन नहीं हुआ था क्योंकि उनके बीएड के फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं हुए थे, और रीट विज्ञप्ति में क्लियर लिखा हुआ है कि बीएड के फाइनल ईयर के जो आपके एग्जाम हैं वो आपके होने चाहिए और आपका रिजल्ट आना चाहिए रीट रिजल्ट से पहले। तो यहां पर बड़ी समस्या ये बनी हुई है। देखिये यहां पर फिर मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसी चीजें, देखिए यहां पर कई सारे विश्वविद्यालयों ने यहां पर देखिए अपनी परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया, लेकिन एक विश्वविद्यालय ऐसा जिसने परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया, देखिए जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है, इन्होंने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, ठीक है, परीक्षा शुरू करवा दी है। बांसवाड़ा विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, इन्होंने भी अपना टाइम टेबल जारी कर दिया। लेकिन देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी जो विश्वविद्यालय है उन्होंने अभी तक अपना कोई टाइम टेबल घोषित नहीं किया। तो ये जो 30,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं ये शेखावाटी के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि जो इस यूनिवर्सिटी से जो बीएड कर रहे हैं तो ये वो अभ्यर्थी हैं। यहां पर देखिए इनका एग्जाम नहीं होगा तो रीट में स्कोर करने के बाद भी इनकी बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, तो सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगारी। और राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, और किस तरह से परेशानियों का सामना करके अभ्यर्थी बड़ी मेहनत करके लगातार 5-5 साल 4-4 साल पढ़ने के बावजूद भी कोई परीक्षा पास करते हैं, उसके बावजूद भी अगर उनके साथ प्रशासनिक तरीके से या यूनिवर्सिटी के रवैये से एग्जाम नहीं होकर लेट लतीफ होकर इस तरह की समस्याएं आएंगी तो उनका भविष्य और उनकी बेरोजगारी कब खत्म होगी, उनका भविष्य अंधेरे में ही रहने वाला है। तो यहां पर देखिए यही एक समस्या है कि बीएड धारियों को जो अभी बीएड कर रहे हैं जिनकी फाइनल की परीक्षा होनी है उनके सामने ये समस्या आकर खड़ी हो गई है। तो देखिए इस समस्या को यूनिवर्सिटी प्रशासन को निपटना चाहिए, क्योंकि बीएड का रिजल्ट आने से पहले पहले बीएड का फाइनल ईयर का रिजल्ट आना बहुत जरूरी है, तभी ये लोग काउंसलिंग में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि यहां पर जो दस्तावेज सत्यापन होगा उससे पहले पहले इनका यहां पर रिजल्ट आना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए ये बीएड अभ्यर्थियों के लिए शेखावाटी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये एक खबर है। वो अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा कि कैलेंडर कब जारी होगा, फिर एग्जाम होंगे, एग्जाम होने का फिर रिजल्ट भी लेट आएगा, जब स्टार्टिंग लेट होती है तो सारी चीजें लेट होती है। तो इसमें देखिए प्रशासन को थोड़ा सा विचार करके संज्ञान करके इसको तुरंत प्रभाव से करना चाहिए अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए। जागो व जागो आंदोलन के तहत फिर आते हैं एक अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ, एक विश्लेषण के साथ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।